दोस्तों, जहाँ एक आम इंसान अपनी और अपनी फैमिली की जरूरतों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता है, फिर भी एक सुकून भरी जिंदगी जी नहीं पाता। लेकिन ये जो बॉलीवुड के एक्टर्स होते हैं, करियर में फ्लॉप होने के बावजूद, फिल्मों में काम ना होने के बावजूद, करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा करके ऐशो आराम भरी जिंदगी जीते हैं। इसे देखकर आप भी सोच में पड़ जाते होंगे कि ऐसा कैसे। आज हम आपको इसके पीछे का राज और उन एक्टर्स के बारे में बताने वाले हैं जो फ्लॉप होने के बावजूद करोड़ों के मालिक हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है अभिषेक बच्चन का। दोस्तों, अभिषेक बच्चन को आपने काम से कम बल्कि अपने पापा बिग बी के बदौलत ज्यादा जानते होंगे। इन्होंने अभी तक लगभग 50 फिल्मों में काम किया है, जबकि इनके मुकाबले अमिताभ बच्चन 200 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। लेकिन पापा से कम ही सही पर सस्पेंस, थ्रिलर, रोमांस और कॉमेडी इन्होंने हर तरह के हिट फिल्में दी हैं, और इन फिल्मों की बदौलत इन्हें कई ब्रांड को एंडोर्स करने का मौका मिला। मतलब कि जितनी एंडोर्समेंट उतनी ज्यादा कमाई, उतना ज्यादा पैसा। वैसे कमा तो ये अपने फुटबॉल और कबड्डी टीम से भी रहे हैं। इसके अलावा इनका रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है, OTT में काम करते हैं, टेलीविजन में काम करते हैं, और साथ ही ये प्रोड्यूसर बनकर लाखों करोड़ों में पैसा छापा है, जिससे इनकी नेटवर्थ तकरीबन 300 करोड़ के आसपास है। इस लिस्ट में अगला नाम है फरदीन खान का। फरदीन खान का नेटवर्थ 332 करोड़ से ज्यादा की है, लेकिन इनका फिल्मी करियर पहली फिल्म से फ्लॉप होने के रास्ते पर निकल पड़ा था। ड्रग्स लेने के मामले में जेल तक पहुंच चुके थे, फिर इनके पास इतने पैसे आए कहां से? फरदीन खान ने भले ही फिल्मों से पैसे नहीं कमाए, पर इनकी प्रॉपर्टी और आलिशान लाइफ इनकी मेहनत का नतीजा है। 2009 में पिता को खोने और बच्चों का सुख न मिलने के चलते वो पत्नी के साथ लंदन शिफ्ट हो गए। प्लान था कि बच्चे होने के बाद वो ब्रेक खत्म करके फिर फिल्में करेंगे, लेकिन दो बच्चे होने और उन्हें संभालने में उनका ब्रेक 11 साल लंबा कब हुआ पता ही नहीं चला। हालांकि इस ब्रेक में वो खाली नहीं बैठे, बल्कि रियल एस्टेट में घुसे और 2012 में गोदरेज प्रॉपर्टी के साथ 100 करोड़ की डील की, और उन्होंने ऐसी कई डील्स साइन की। उनके पिता के बाद पिता की विरासत मिली, विरासत में इनको मिली बैंगलोर में 100 एकड़ से भी ज्यादा जमीन। अब इतनी संपत्ति होगी तो जाहिर सी बात है जिंदगी भी रॉयल होगी। अगले एक्टर की बात करें तो इस लिस्ट में नाम आता है विवेक ओबेरॉय का। दोस्तों, इनकी फिल्मों में एंट्री जितनी हिट थी उससे कई गुना तेजी से सल्लू भाई ने इनका करियर को खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ा, ऐसा कुछ खुद विवेक ओबेरॉय का भी मानना है। लेकिन इसके बाद भी विवेक के पास 3 बंगले और कई सारी महंगी महंगी गाड़ियां हैं, और वो अपने फैमिली के साथ विदेशों में वेकेशन और बड़े बड़े होटल्स में घूमते नजर आते हैं। विवेक की नेटवर्थ की बात करें तो 150 करोड़ से भी ज्यादा है। अब ये तो ठहरे अरबोंपति, पर बने कैसे? इन्हें जब बॉलीवुड में काम कम मिलने लगा तो इन्होंने साउथ जैसे रीजनल सिनेमा की तरफ रुख किया, और वहां इनकी दुकान खूब चली, एक मूवी के लिए 3 से 4 करोड़ रुपए। कभी टेलीविजन पर जज बनकर देखे तो OTT जैसे प्लेटफॉर्म पर देखे। फिल्मों से जुड़े बिजनेस में उनकी ओबेरॉय मेगा एंटरटेनमेंट भी शामिल है, साथ ही एक हाउसिंग कंपनी के भी मालिक हैं। इनका काफी सारा बिजनेस फैला हुआ है। दोस्तों, इस लिस्ट में अगला नाम आता है एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा का। बॉलीवुड नेपोटिज्म होने के बावजूद कई स्टार किड्स तक बॉलीवुड के ए लिस्टर खान्स के पिक्चर में नजर नहीं आ पाते, वहीं अनुष्का बिना नेपोटिज्म इन तीनों खान्स सुपरस्टार्स की हीरोइन बन चुकी हैं। लेकिन 2018 में SRK संग जीरो के बाद ये तो बड़े पर्दे से गायब ही हो गई। ऐसे में एक फिल्म के लिए 7 करोड़ रुपए कमाने का मौका खो दिया। इसके बावजूद अनुष्का का टोटल नेटवर्थ है 250 से 300 करोड़, और यह सिर्फ एक्टिंग का नहीं, एक बिजनेस वेमेन का पैसा है। 2013 में इन्होंने क्लीन स्लेट फिल्म्स नाम का प्रोडक्शन हाउस खोला, जिसमें इन्होंने एनएस10, बुलबुल और काला पताल लोग प्रोड्यूस किया। इनकी अपनी क्लॉथिंग ब्रांड नश के अलावा स्लर्फ फार्म नामक ऑर्गेनिक फूड कंपनी है, और विराट के साथ डिजिटल कंपनी में इन्वेस्टमेंट भी है। इसके अलावा वो बहुत सारे ब्रांड्स के एम्बेसडर हैं, और बस इन्हीं इन्वेस्टमेंट से ये साल के 5 से 10 करोड़ रुपए कमा लेती हैं। और अनुष्का ही पहली ऐसी अभिनेत्री नहीं है, गदर 2 की अमीषा पटेल भी पटेल प्रोडक्शन की को ऑनर है, जो कि इन्होंने लेट 2000 से अपने डूबते करियर के बाद शुरू किया था, और शायद इसी के चलते आज इनकी नेटवर्थ 200 करोड़ से ज्यादा है। इस लिस्ट में अगला नाम आता है अर्जुन कपूर का। एक्सप्रेशन ऐसे दो कि किसी को समझ ना आए, आप खुश हो या दुखी हो या गुस्से में हो, 4 तरह के किरदारों को एक ही जैसा करने वाले अर्जुन कपूर भैया का करियर आपको इनके फिल्म लेडी किलर के कलेक्शन को जानकर ही पता चल गया होगा।
जहां ना करोड़ ना लाख इनके फिल्म ने कमाए थे मात्र 38,000 रुपए। लेकिन फिर भी इनकी पर फिल्म फी होती है 5 से 7 करोड़ रुपए, चाहे वो फिल्म चले या ना चले। भाई साहब को तो पैसे मिल जाते हैं। मौजूदा हालत में इनके पास महंगी गाड़ियों का कलेक्शंस और एक आलिशान बंगला है। आपको बता दें कि अर्जुन कपूर फूड क्लाउड नाम की कंपनी के इन्वेस्टर भी हैं। इस कंपनी में अर्जुन कपूर ने कोरोना के वक्त पैसा लगाया था। ये कंपनी उन महिलाओं को मौका देती है जो घर बैठे खाना पकाती हैं और उसे बेचना चाहती हैं। यानी चाहे अर्जुन लेडी किलर के तौर पर तो नहीं चल पाए, पर लेडी हेल्पर के तौर पर चल गए, और उन्हीं सब के कारण आज अर्जुन कपूर के पास 80 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति है। मगर शायद अभी आंकड़ा और भी बढ़ जाए। अब इसी साल यानी कि 2024 में आने वाली फिल्म सिंघम अगेन में एक विलन के तौर पर काम करने वाले हैं। आइए बात करते हैं दोस्तों एक्टर उदय चोपड़ा की। उदय चोपड़ा का बॉलीवुड करियर कुछ खास नहीं रहा। जब इन्हें लगा कि उनका फिल्मी करियर डगमगा रहा है, अब उनसे नहीं संभलने वाला, तो ऐसे में इन्होंने अपने पापा का यशराज फिल्म को ज्वाइन कर लिया, जहां वो असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया। साथ ही इन्होंने फिल्म भी प्रोड्यूस की, जिससे इन्हें एमी अवार्ड का नॉमिनेशन तक मिला। आज वो यशराज फिल्म्स के को ऑनर हैं, जहां अपने बड़े भाई आदित्य चोपड़ा के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। दोस्तों इस लिस्ट में अगला नाम है शाहरुख खान का। जी हाँ, शाहरुख खान ने 2023 में 2000 करोड़ से ज्यादा की कमाई का रिकॉर्ड बना दिया था। लेकिन उससे पहले उनकी फैन जीरो और जब हैरी मेट सेजल ने सिर्फ 300 करोड़ का बिजनेस किया था। बादशाह चाहे कई सालों तक फ्लॉप फिल्म देते जाए, पर उनकी कमाई पर कोई असर नहीं पड़ने वाली। जी हाँ दोस्तों, किंग खान को सिर्फ उनकी फिल्में अमीर नहीं बनाती हैं, किंग खान के पास बहुत सारा सा बिजनेस है। आइए जानते हैं कैसे ये स्टार फ्लॉप होने के बावजूद दुनिया के चौथे रिचेस्ट एक्टर्स में से एक है। इसके लिए हम आपको इनके 5 बड़े बिजनेस के बारे में बताएंगे। पहला है किड्जेनिया। इसमें शाहरुख खान 26% के पार्टनर बने हैं और ये बच्चों की खेलने कूदने का थीम पार्क है। दूसरा है इनका KKR यानी कोलकाता नाइट राइडर्स। इस पर मालिकाना इनका हक है। अब IPL के बारे में तो आप जानते ही हैं, यहाँ तो पैसा बरसता है पानी की तरह। इसके अलावा इनका खुद का प्रोडक्शन हाउस है रेड चिल्ली एंटरटेनमेंट, इसमें SRK मूवी प्रोड्यूस करते हैं और करोड़ों छापते हैं। चौथी है मिरकट नाम की सोशल मीडिया ऐप, जहाँ पर आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। और पांचवा है लूमी, जो कि न्यूट्रिशन का ध्यान रखने के लिए बनाई गई एप्लीकेशन। यानी कि इनके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए ना पैसों की कमी और ना स्टारडम की। तो फिर चाहे पिक्चर फ्लॉप हो या ना हो, इनसे क्या फर्क पड़ता है। इनके पास तो करोड़ों रुपए दूसरे रास्तों से आते रहते हैं। इस लिस्ट में अगला नाम है गोविंदा का। गोविंदा एक समय पर बॉलीवुड पर राज किया करते थे, लेकिन आज इनका करियर गर्दिश में चल रहा है। इसके बावजूद इनके पास प्रॉपर्टीज और पैसों की कोई कमी नहीं है। इन्हें पिछले साल लहर फुटवेयर्स का ब्रांड एम्बेसडर डिक्लेयर किया गया था। कई बड़ी कंपनियों में इन्होंने करोड़ों का इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है। यानी फिल्मी करियर भले ही ठप हो गया हो, लेकिन कमाई में कोई कमी नहीं आई है। तो दोस्तों ये है फ्लॉप एक्टर्स जो करते हैं करोड़ों की कमाई। इनमें से आपका फेवरेट कौन है आप कमेंट करके जरूर बताना, और आपका नेटवर्थ कितना है ये भी बताते जाना। मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।